हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमारे बाल जो हैं रूट से जल्दी वाइट हो जाते हैं, तो उसके लिए कोई ऑप्शन बताइए। तो यहाँ पे मैं आपको स्टिक बनाना सिखाऊंगी, जैसे कि शहनाज हुसैन का रूट टचअप स्टिक आता है मार्केट में, उसी तरह का स्टिक मैं घर पर बनाना सिखाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको 3 मैथड जैसे बताऊंगी जिससे आप हेयर का रूट टचअप कर सकते हैं और ग्रे हेयर को कवर कर सकते हैं इंस्टेंटली। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मेहंदी लगाने का टाइम नहीं मिलता, कलर लगाने का टाइम नहीं मिलता है, तो हम जो आगे आगे या कान के आगे वाले बाल होते हैं उनको कवर करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं 3 मेथड आपको दिखाऊंगी, जो आपको सही लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको एप्लीकेशन भी दिखाऊंगी, तो आप बने रहिए एंड तक। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए चारकोल। ये चारकोल मैंने घर पे बनाया है और इसका वीडियो भी मैं अभी अपलोड कर दूंगी। ये बादाम का चारकोल बना हुआ है। और हमें चाहिए बीज वैक्स, ये मैंने ग्रेट करके रखी हुई है, ये बीज वैक्स है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हमें चाहिए एक लिपस्टिक का खाली कंटेनर जिसमें लिपस्टिक ना हो। और हमें बाउल चाहिए और हमें चाहिए ये काजल। ये होममेड काजल है और ये काजल मैं यूज़ करूँगी इसके अंदर। और ये काजल मैंने कैसे बनाया है ये अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूँगी। फ्रेंड्स, मैं जब छोटी थी तब मम्मी यही लगाते थे मुझे और अभी तक मैं यही लगाती हूँ। सुरमा में डाल के, इसको सुरमा कहते हैं, और सुरमेदानी में डाल के हम इसको लगाते हैं आइज़ में। तो ये छोटे बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबीज़ को लगाया जाता है। और ये मैं हर साल एक इतनी सी डिब्बी बना लेती हूँ, दिवाली पे हम बनाते हैं और ये पूरा साल मेरे चल जाती है। तो इस तरह से आप बना के रख सकते हैं। और इसको अगर बनाने के लिए आपको वीडियो चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आपको इसका वीडियो भी अपलोड करके बताऊँ। और हमें चाहिए थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, तो उसे बनाने के लिए हमें चाहिए, ये पैन में पानी गर्म हो गया है और इसके अंदर मैं रखूंगी यहाँ पे एक कटोरी, और यहाँ पे मैं डालूंगी बीज वैक्स, ग्रेटेड बीज वैक्स मैं डालूंगी। और इसे हम थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि ये पिघल जाए। बहुत इजीली ये पिघल जाएगी। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल पिघल गया है। अब इसमें मैं यहाँ कोकोनट ऑयल डालूंगी, ये 1 चम्मच कोकोनट ऑयल मैं डालूंगी। और अब इसमें हमने डालना है, इसको हमने बंद कर देना है क्योंकि ये वो पूरा पिघल चुका है। और हम डालेंगे इसमें चारकोल, तो इसके अंदर मैं डालूंगी चारकोल जो मैंने बनाया है घर पे, और इसका मैं यहाँ डालूंगी 1 चम्मच। 3 चम्मच मैंने चारकोल डाला है। और उसके बाद ये जो काजल घर का बना हुआ है उसको मैं डालूंगी, और आप इसको इस तरह से डाल सकते हैं। ये करीब मैंने 1/2 चम्मच लिया है और ये बहुत ही बारीक होता है। इसका प्रोसीजर क्या है अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको बना के आपको बताऊंगी। ये काजल है जो हम लगाते हैं घर में, और इसको हमने एक कपड़े की सहायता से निकाल लेना है। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। आपने इसको इसमें डालना है, और आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए ताकि ये जम जाए। और फ्रेंड्स, बाकी का जो बच गया है उसको हल्का सा फिर से गर्म करके आपने एक कंटेनर में फिल,
देख सकते हैं इस तरह से आपने इसको रख लेना है। ठंडा होने के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा और थोड़ा सा आपने उसको ऊपर से प्रेस करना होगा ताकि अगर कुछ एयर होगी उसमें तो वो फिलअप हो जाएगी। और इस तरह से खोलेंगे तो ये लिपस्टिक के जैसे बाहर निकल आएगा, स्टिक के जैसे, और इसे हम यूज़ करेंगे। और ये ध्यान रहे जब आप इसको यूज़ करें तो थोड़ा सा ही निकालें, पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा सा निकालें और जैसे ज़रूरत हो उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको कैसे अप्लाई करना। इसको आपने अप्लाई करना है जैसे हम शहनाज की जो रेडीमेड वाली होती है वैसे ही करना है, रूट से लेके हेयर पे लगाना है, बालों को लेके जो भी आपके आगे वाले हेयर होते हैं। और इसको हम यूज़ करेंगे ब्रश की हेल्प से, जो टूथब्रश होता है बेकार वाला उसकी हेल्प से हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी कि एक और अल्टरनेट होता है फॉर द टाइम पास, मीन्स कभी कभार हम अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये मस्कारा है, मस्कारा फ्रेंड्स जनरली सबके पास होता है, तो मस्कारा से आप क्या कर सकते हैं कि आगे के जो बाल होते हैं उनको हल्का सा इस तरह से टचअप कर लीजिए, और आपने इसको रूट में कम लगाना है और बालों पे ज़्यादा लगाना है, और ये ड्राई हो जाएगा और आपके बाल जो हैं वो काले काले दिखने लगेंगे। तो जब हम पार्टी के लिए तैयार होने लगते हैं कभी कभी हमारे जो आगे के बाल हैं वो बहुत जल्दी वाइट हो जाते हैं, क्योंकि हम बार फेस वॉश करते हैं जिसके कारण हमारे जो आगे के बाल हैं वो वाइट हो जाते हैं। तो उसको कवर करने के लिए आप ये एक ऑल्टरनेट ले सकते हैं मस्कारा, और ये मस्कारा भी मैंने होममेड बनाया हुआ है इसलिए ये सेफ़ है। और अगर आप चाहें तो आपके पास जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हम डेली यूज़ नहीं करेंगे, ये अच्छा नहीं है आपके बालों के लिए। तो पहले वाले जो दो मेथड मैंने बताए हैं उससे कोई नुकसान नहीं होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपने पहले वाले भी जो दो चीज़ मैंने बनाई है उसको आप बालों से लेकर नीचे तक करेंगे तो इस तरह से आपके सूखने के बाद काले दिखेंगे और आगे से बुरा नहीं लगेगा। जब हम कभी पार्टी या किसी फंक्शन पे जाते हैं तो आगे के बाल जो बहुत गंदे लगते हैं, दो चार पाल जो होते हैं वो पूरा शो बिगाड़ देते हैं, तो उसके लिए ये बहुत सेफ़ है। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।